हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीड फॉर सिंक्रोनाइजेशन की। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन की क्या नीड है, इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, कोरिलेटेड प्रोसेस एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस। सो जब भी दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, बाय यूजिंग शेयर्ड मेमोरी एंड बाय यूजिंग मैसेज पासिंग। सो शेयर्ड मेमोरी में आप जब प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, दोनों एक शेयर्ड वेरिएबल काउंट को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो शेयर्ड वेरिएबल काउंट को शेयर करेंगे, प्रोसेस P1 में जो कोड है इसमें आपकी काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का कोड लिखा गया है, एंड P2 प्रोसेस में काउंट वैल्यू को डिक्रीमेंट करने की कोड लिखा गया है, ठीक है। सो आप इसको P1 में जो के अंदर जो इस शेयर्ड वेरिएबल के को चेंज करने के लिए जो कोड लिखा गया है उसको हम इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सेक्शन भी बोलते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए P1 है, P1 में तीन इंस्ट्रक्शन है, मूव काउंट R1। यहाँ से सिंपली क्या कर रहा है, काउंट से वैल्यू को, काउंट इज इक्वल टू करंट टाइम में 5 है, काउंट की वैल्यू को रजिस्टर R1 में रीड किया जा रहा है, ठीक है। देन इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट R1, जब आपका काउंट की वैल्यू 5 थी वो रजिस्टर में आ गई R1 में, फिर उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई R1 की, ठीक है। सो दिस इज़ अपडेटिंग इंस्ट्रक्शन एंड मूव R1 काउंट, ठीक है। मतलब इंक्रीमेंट करने के बाद वापस उस काउंट की वैल्यू हमने अपडेट कर दी, चेंज कर दी, ठीक है। सो 3 इंस्ट्रक्शन P1 में है। सपोज P1 का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो P1 1, 2, 3 इंस्ट्रक्शन, आपके इंस्ट्रक्शन नंबर 1, 2, 3 एग्जीक्यूट हुआ। सो 1 एग्जीक्यूट हुआ तो काउंट की वैल्यू रीड की गई, सपोज सिंपल R1 में, तो R1 की वैल्यू अब करेंट टाइम में 5 हो गई, इंक्रीमेंट किया गया वैल्यू को तो 5 + 1 हो गई 6 हो गई, और उस 6 वैल्यू को फिर से काउंट में स्टोर कर दिया गया। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ P1 काउंट की वैल्यू क्या हो गई, हमारी 6 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही आपका P2 है, ठीक है। P2 में क्या हुआ है, P2 में भी हमारे 3 इंस्ट्रक्शन हैं। पहला तो आपका काउंट की वैल्यू को रजिस्टर R1 में लिया गया, ठीक है। तो इनिशियली आपका वैल्यू क्या था, ये हम केस बात कर रहे हैं नॉन प्रीम्पशन की। नॉन प्रीम्पशन के केस में क्या होता है, सबसे पहले एक प्रोसेस रन होता है, ठीक है, उसके बाद अदर प्रोसेस रन होता है। दोनों पहला प्रोसेस पूरा रन होगा देन दूसरा प्रोसेस पूरा रन होगा। तो पहला प्रोसेस P1 हम रन कर चुके हैं, P2 को रन कर रहे हैं, तो इसमें 3 इंस्ट्रक्शन हैं, मूव डिक्रीमेंट एंड मूव काउंट। मीन्स आपका क्या था, यहाँ पे आप काउंट की वैल्यू को सबसे पहले रजिस्टर R1 में रखे, तो यहाँ काउंट की वैल्यू हमारी अपडेट हो चुकी थी 6, तो यहाँ पे रीड करेंगे हम इनिशियली काउंट इज इक्वल टू 6 रीड करेंगे, देन डिक्रीमेंट करेंगे R1 को, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5, और देन करेंगे मूव R1 काउंट, यानी आपकी काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, 1 माइनस हो गया 5। सो आप अगर सिंपल मैथमेटिकल टर्म में भी करेंगे तो आपने सबसे पहले क्या किया, काउंट की इनिशियल वैल्यू थी 5, उसको आपने P1 प्रोसेस से इंक्रीमेंट किया, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हुआ, आपने काउंट की वैल्यू 6 हो गई, और हमने फिर डिक्रीमेंट अप्लाई किया तो एक वैल्यू माइनस हो गई, वापस वो 5 हो गई, यानी एक में इंक्रीमेंट किया एक में डिक्रीमेंट किया, तो हमारा रिजल्ट में क्या आना चाहिए, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, काउंट इज इक्वल टू 5 ही है, ठीक है। अब हम प्रीम्पशन के केस में बात करते हैं। सो प्रीम्पशन के केस में क्या होगा, हमने दो शेड्यूलिंग ली है, पहली शेड्यूलिंग में क्या है
कि पहले हमने P1 के दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए। सो पहले इंस्ट्रक्शन में हमने वैल्यू को रीड किया, फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन में हमने वैल्यू को क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो वैल्यू हो गई हमारी, इनिशियली 5 थी, वैल्यू 6 हो गई। तो यहाँ पे हमने काउंट इज इक्वल टू 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, राइट नहीं किया हमने, उसको अपडेट नहीं किया, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं किया। अभी थर्ड इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, देन प्रोसेस प्रिंट हो गया, सेकेंड प्रोसेस आ गया P2 को हमने कम्प्लीटली एग्जीक्यूट किया। चूँकि आपका क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस को काउंट की वैल्यू को हमने क्या किया था, अपडेट नहीं किया था, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पहला इंस्ट्रक्शन रीड किया तो इनिशियल वैल्यू 5 थी, इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे वैल्यू 6 है लेकिन अपडेटेड नहीं है। देन P2 रीड करेगा जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में, तो वैल्यू हमारी इनिशियली 5 ही होगी क्योंकि आपकी अपडेटेड वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 5 ही होगी। देन क्या होगा कि आपका P1 आपका P2 जो है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करेगा जब, तो यहाँ पे वैल्यू को रीड करेगा तो अपडेटेड नहीं है, तो यहाँ पे 5 रीड होगा, 5 को डिक्रीमेंट किया तो यहाँ 4 हमारा क्या हो जाएगा, काउंट इज इक्वल टू 4, देन उसको काउंट इज इक्वल टू 4 अपडेट हो गई, ठीक है। यहाँ पे अब P1 का थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, सो काउंट इज इक्वल टू यहाँ पे 6 हो गया था, इसको हमने अपडेट कर दिया, सो काउंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, काउंट इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। सेकेंड शेड्यूलिंग की बात करें तो P1 इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और सेकेंड इंस्ट्रक्शन अपडेट हमने एग्जीक्यूट किया, तो काउंट की वैल्यू हो गई 6, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, तब तक प्रोसेस प्रिंट हो गया, ठीक है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगा P2, इसमें भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, सो इनिशियल वैल्यू 5 थी, देन 4 हो गई लेकिन अपडेट नहीं हुई, तब तक प्रोसेस प्रिंट हो गया और P1 प्रोसेस वापस आपका एग्जीक्यूट होने लगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, अपडेट किया, काउंट की वैल्यू 6 हुई, देन P2 प्रोसेस का वैल्यू यहाँ पे अपडेट हुआ, तो यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 6 आया और यहाँ काउंट इज इक्वल टू 4 आया, दोनों ही कंडीशन में काउंट की वैल्यू क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि काउंट की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। एंड दिस दोनों कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। और रेस कंडीशन में क्या होता है आपका, द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर इन विच प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग, जिस वे में प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा आउटपुट उसी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, लास्ट में काउंट की वैल्यू 6 आई, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पे आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन P2 एग्जीक्यूट हुआ, P2 का एग्जीक्यूट हुआ तो काउंट इज इक्वल टू 4 आई, सो यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में काउंट की वैल्यू रॉन्ग है, इसलिए ये दोनों कंडीशन क्या कहलाएगी, रेस कंडीशन। अब इसमें होता है आपका क्रिटिकल सेक्शन। सो क्रिटिकल सेक्शन किसको कहते हैं, द पार्ट ऑफ द कोड इनसाइड द प्रोसेस दैट एक्सेस शेयर्ड मेमोरी इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। सो द पार्ट ऑफ द कोड, ये आपका पार्ट जो प्रोसेस का जो ये कोड है, पार्ट ऑफ द कोड जो कि आपका इस शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने में काम आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन, अंडरस्टूड। सो इस रेस का ये रेस कंडीशन जिसमें आपकी काउंट की वैल्यू क्या हो रही है, दोनों ही वैल्यू रॉन्ग आ रही है, इस रेस कंडीशन, ये रेस कंडीशन क्या है, एक प्रॉब्लम है, जो कि जब दो प्रोसेस कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग शेयर्ड मेमोरी तो रेस कंडीशन हमारी अकर हो जाती है, जो कि एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमें रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, ओनली वन प्रोसेस अलाउड टू एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। रेस कंडीशन अकर ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा किसी भी टाइम पे, सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, अदर प्रोसेस नहीं कर सकता है।
ठीक है, एक बार में एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगा, सो रेस कंडीशन आपकी वहाँ पे रिमूव हो जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी इसका एडवांटेज मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।